नमस्कार। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो अभिजीत गुप्ता और एलेक्सी अलेक्जेंड्रो इन दोनों के बीच हुआ है। दिल्ली ओपन का आज लास्ट राउंड था, जस्ट फिनिश हुआ है ये गेम। और जिस हिसाब से अभिजीत गुप्ता को अगर टूर्नामेंट जीतनी है तो लास्ट राउंड में विन ही चाहिए थी, और उनका जो ओपनिंग चॉइस था या उन्होंने कैसे उसमें इतनी एनर्जी डाली कि वो जो अपोनेंट भी थे वो भी बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है एलेक्सी अलेक्जेंड्रो। इंडिया में बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं वो, मुझे याद है रेगुलरली बीच में इंडिया के खेलते थे अगर हम बात करें उनकी तो, और वैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, 2.6 प्लस थे। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को जो भी अभी इस लास्ट वीक में बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, बहुत सारे हम त्योहार ही मानेंगे उनको, लोहरी हो गया या फिर पोंगल मनाते हैं साउथ में, या बिहू मनाते हैं, और उत्तरायण हो गया, या फिर संक्रांत हम जैसे महाराष्ट्र और बाकी सब जगह मनाते हैं, उन सब की शुभकामनाएं। और मैं हम लोग जो चेस हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली ओपन की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग टूर्नामेंट होता है। एशिया में अगर हम बात करें तो भी वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है एशिया का, प्राइस स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ एंट्रीज के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो। ऑर्गेनाइजेशन भी डेफिनेटली टफ होता है ऐसे टूर्नामेंट में, लेकिन आज उसका लास्ट राउंड था और हम लोग क्विकली उसको गेम देखते हैं। हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। तो गेम स्टार्ट हुआ वो d4 नाइट एफ सिक्स, c4 e6 नाइट c3 बिशप b4 f3। निम्जो इंडियन का सैमिश वेरिएशन बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग पहले a3 भी खेलते हैं इसमें। मुझे याद है मेरा एक गेम हुआ था पुणे में 2015 में आदित्य मित्तल के साथ। उस वक्त वो लोअर रेटेड, मतलब कम रेटिंग थी उसकी, 19 समथिंग था, 19 के बहुत क्लोज था, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा खेलता है। अभी ऑफकोर्स IM बन गया। और अगर मैं उसकी और बात करूँ तो डेफिनेटली जिस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे उसके साथ, और उसके बावजूद उसने कम बैक किया, और बहुत ही विल पावर चाहिए रहती है ऐसे इसमें। और उसका एक गेम मुझे याद है जो उसने मेरे ख्याल से जियाउर रहमान को हराया था उसने, बहुत ही बिशप f6 सैक्रीफाइस वगैरह देके बहुत ही ब्रिलियंट खेला था उस गेम में। हाल ही में एक chess.com पे एक लिस्ट आई थी जिसमें बेस्ट गेम्स थे 50-60, उसमें वो भी गेम था। तो बहुत ही ब्रिलियंट खेलता है अभी इतने में। और अगर हम इस गेम की बात करें तो अभिजीत गुप्ता को मुझे लगता है 7.5 पॉइंट्स थे, और जो एलेक्सी अलेक्जेंड्रो है उनको 8 पॉइंट थे। तो डेफिनेटली उनको मस्ट विन सिचुएशन था अगर टूर्नामेंट जीतना है तो। और सभी जानते हैं अभिजीत गुप्ता के गेम के बारे में कि बहुत ही स्ट्रांग खेलते हैं, और मतलब पहले से ही उनके पास वो एक लीडर वाली क्वालिटी है कि कैसे एक विनर लास्ट राउंड में बराबर अच्छा परफॉर्म करके आता है। सो f3 के बाद यहाँ पे कैसल किया उन्होंने। अगर हम बात करें कुछ और वेरिएशंस की तो यहाँ पर d5 भी खेल सकते हो आप, ये अगर आपको e4 रोकना है इमिडिएटली तो a3 टेक्स टेक्स c5। और ये एक निम्जो इंडियन का सैमिश का मेन लाइन है मुझे लगता है यहाँ पे, जिसमें आप सी कट d5 को नाइट इंटू d5 वैसे मेन लाइन है। यही मेरा गेम हुआ था आदित्य मित्तल के साथ एक्चुअली। यहाँ पे ई कट d5 भी मारते हैं, पर उसके पहले मेरे कुछ गेम्स इस पे भी हुए हैं, लेकिन 19-d5 मेन लाइन है। डी कट c5, क्वीन a5, और क्वीन a5 के अलावा यहाँ पे आप एक्चुअली डी कट c5 के बाद f5 भी जा सकते हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन है। लेकिन क्वीन a5 को अगर आप e4 खेलते हो जिसमें नाइट पे अटैक है, डेफिनेटली 19-c3 या queen-c3 नहीं मारना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, एक knight e7 और दूसरा knight f6। दोनों में ही आप खेल सकते हो, जिसमें बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है। आप देखेंगे तो करपो से लेकर सभी के गेम्स अवेलेबल है इसमें, तो बहुत मेजर वेरिएशन है ये। लेकिन इस गेम में अभिजीत गुप्ता वाले गेम में f3 और उसके बाद कैसल किया ब्लैक ने। मैं अगर वाइट जो प्लेयर है उनकी बात करूँ तो मैं पर्सनली उनके साथ एक बार खेला था नेशनल टीम में गोवा में, मुझे याद है ताराश स्ट्रक्चर में आ गया था वो पोजीशन। एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली कि कभी वो गेम भी हम देखें, क्योंकि वो कुछ मोमेंट पे एक्साइटिंग हुआ था, लेकिन डेफिनेटली एंडिंग में उनको बहुत अच्छी पोजीशन आ गई थी तो वो गेम में हार गया था, लेकिन अच्छा हुआ था गेम वो। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उससे भी कुछ हम सीखें। सो कैसल किया यहाँ पे ब्लैक ने a3, बिशप इंटू c3, बी कट c3, नाइट h5। ये एक साइड लाइन है, अभी मैं आज चेक कर रहा था वैसे तो। वैसे जैसे मैंने बोला आपको कि d5 मेन वेरिएशन है इसमें, जिसमें आप
E3 और ये सब स्ट्रक्चर्स के साथ खेल सकते हो, इवन सी का डी, ई का डी और E3 के साथ जा सकते हो, जो एक कंफर्टेबल लाइन रहती है हमेशा व्हाइट को। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्राई है कि आफ्टर बी कट C3 आप एक्चुअली नाइट C6 भी जा सकते हो, जिसमें हाल ही में कुछ गेम्स हुए थे जिसमें E4 D6 वाले स्ट्रक्चर के साथ भी आप खेल सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस गेम में नाइट H5 खेला अलेक्जेंड्रो ने और नाइट H3 खेला यहाँ पे F5। यही मेन आइडिया होता है नाइट H5 का कि आपको F5 खेलने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मैं जो चेक कर रहा था तो BG5 नाइट F6 ये सब मेजर वेरिएशन है और उसके बाद आप खेल सकते हो जो भी आपको कंटिन्यूएशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिवली E4 खेला अभिजीत गुप्ता ने और इस मूव के पीछे डेफिनेटली साइकोलॉजी ये भी होगी कि आज लास्ट राउंड है और अगर मस्ट विन सिचुएशन है तो ऐसे ही पोजिशन खेलने पड़ेंगे जिसमें एक्टिविटी हो डेफिनेटली। तो एफ कट E4 मारा, BG5, नाइट F6, नाइट F2, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था क्योंकि अगर आप देखें वैसे बहुत सारा डेफिनेटली इसमें उनका प्रिपरेशन होगा और पहले भी कुछ लोगों ने खेला ही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि और लास्ट राउंड में इम्पोर्टेंट गेम में आके ये सब डिसाइड करना ओपनिंग चॉइस, ये दिखाता है कि वो कितने स्ट्रांग है साइकोलॉजिकली। तो नाइट F2 खेला यहाँ पे उन्होंने। अगर हम क्विकली देखें वैसे गेम में यहाँ पे ब्लैक ने H6 खेला था, लेकिन अगर हम क्विकली देखें कि क्यों E कट F3 नहीं मार सकते थे, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली जो गेम में हुआ उससे कि ये ठीक ऑप्शन था E कट F3, बिकॉज क्वीन कट F3 H6 में भी बिशप H4 आ सकते हो आप, जिसमें एक्चुअली एक बहुत अच्छा प्लान था जिसमें आप क्वीन E8 जा सकते हो और उसके बाद अगर डेफिनेटली आपको रुक के फाइल में क्वीन को ज़्यादा देर मेंटेन नहीं करना हो तो आप क्वीन E3 आ सकते हैं, जिसमें E5 एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव था क्योंकि अगर आप देखें E5 को तो क्योंकि किंग सेंटर में पड़ा है तो एक बहुत कॉमन टॉपिक ये हो सकता है कि आप सेंटर को ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन E5 जैसे मूव्स बोर्ड पे ढूंढना इतना आसान भी नहीं था और डेफिनेटली उनको लग रहा होगा कि मतलब उनको ब्लैक से ड्रॉ भी चल रही थी एक्चुअली, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे थे फिलहाल। तो E5 अगर हम देखें तो D कट E5 आ सकता था इसमें, लेकिन मुझे लगता है उसमें नाइट C6 आ रहा है और डेफिनेटली आप E कट F6 नहीं मार सकते हो बिकॉज E3 हैंगिंग है। और अगर आप क्वीन इनटू E5 मारते हो तो क्वीन कट E5, D कट E5 और नाइट H5 एक ऐसा पोजीशन था जो एक्चुअली खेलना चाहिए था उनको, यहाँ खेल सकते थे वो। बहरहाल गेम में उन्होंने H6 खेला, यहाँ पर बिशप इनटू F6, क्वीन इनटू F6, नाइट E4, क्वीन F4 और बिशप E2। मैं जब लाइव चेक कर रहा था तो ये पोजीशन मुझे लग रहा था कि वाइट डेफिनेटली कंफर्टेबल है यहाँ पर। तो क्वीन E3 खेला उन्होंने यहाँ पे, उनकी कोशिश होंगी कि अगर क्वीन D2 यहाँ कैसे करके क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो अच्छी बात है, वो पोजीशन ठीक लग रही है ब्लैक के लिए। लेकिन क्वीन C2 खेला यहाँ पे वाइट ने D6 और डेफिनेटली क्वीन E3 का आइडिया ये भी था कि शॉर्ट कैसल आपको स्टॉप करना। नाइट F2 खेला, मे बी नेक्स्ट मूव जो है वो अभी कैसलिंग के लिए जा सकते हैं। यही आइडिया था कि क्वीन जो नाइट है वो F2 खेला इसीलिए C3 पे, क्योंकि क्वीन E3 में D5 भी एक थ्रेट था मेजर। नाइट C6 खेला, अब यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कैसल बिशप A6। अब मुझे लगता है ये जो मूव था इसके कब बाद इस बिशप को बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे रखना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ से मुश्किल ही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बिशप A6 की जगह E5 भी एक फिर से एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि इसमें अगर आप रुके E1 जाते हो तो E कट D4 मे बी BD3 क्वीन F4 आ सकते हैं इसमें, जिसमें अगर देखा जाए तो पॉन आपको वापस मिली रही है, और एक तो बिशप E4 D कट C3 मे बी बिशप D5 चेक किंग H8 और क्वीन कट C3 एक वेरिएशन खेल सकते थे ब्लैक, ये शायद इक्वल ही रहता मुझे लगता है, वाइट के पास अभी भी पॉन के बदले एक्टिविटी है। लेकिन बिशप A6 के बाद यहाँ पे रुक AE1 खेला और मे बी अब अगर हम बात करें तो वाइट के पास स्लाइटली बेटर पोजीशन ऑलरेडी अचीव कर लिया उन्होंने। नाइट F5 खेला यहाँ पे, C4 को टारगेट करें, बिशप D3 क्वीन पे थ्रेट है, क्वीन G5 खेला, रुक E5 और आफ्टर क्वीन E7 क्वीन E2 आ गए। अब आप देख सकते हो कि एक्टिविटी डेफिनेटली वाइट के पास बहुत ज़्यादा है और A5 और A6 जो है वो आउट ऑफ गेम लग रहे हैं फिलहाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उन्होंने नाइट C6 वापस लिया, यहाँ पे ज़रूरी था कि रुक को शिफ्ट किया जाए किंग साइड अटैक लॉन्च करने के लिए, तो रुक H5 खेला उन्होंने, क्वीन F7, रुक H3 और ये आपको वैसे इनिशियली लग सकता है कि ये रुक का पोजीशन ऑड है, लेकिन जब नाइट G4 या और पीसेस ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली किंग साइड थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जैसे ही रुक H3 खेला उन्होंने, तो ब्लैक ने नाइट E7 खेला। इस A5 नाइट को वापस से शिफ्ट करना क्वीन सेट बहुत जरूरी था, अदरवाइज किंग साइड अटैक अच्छा खासा आ सकता है। नाइट G4 खेला यहाँ पे उन्होंने, क्वीन E8। ये एक्चुअली ऐसा मूव था जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे एक्चुअली ब्लैक के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें इस पोजीशन की तो ये एक सीरियस मिस्टेक था क्वीन E8। नाइट F5 वैसे एक ठीक ऑप्शन था, बिकॉज इसमें एक्चुअली जो थ्रेट है, आप देखिए नाइट G4 के बाद वो मेजर थ्रेट ये है कि आप रुक इंटू H6 मार सकते हैं और GH को नाइट इंटू H6 आके दोनों पीसेस फोर्क में, सो ये एक थ्रेट था फिलहाल, इसीलिए उन्हें क्वीन E8 हटा लिया था रुक इंटू H6 हटाने बचाने के लिए। लेकिन नाइट F5 में भी वो बच रहा था बिकॉज बिशप इंटू F5 को EF5 आ रहा है। अभी आप रुक इंटू H6 नहीं मार सकते हो बिकॉज नाइट मर रहा है, और अगर आप नाइट E8 खेलते हो तब आप क्वीन E8 जा सकते हो, जिसमें ये एक इम्पोर्टेंट जो बिशप था वो एक्सचेंज हो चुका है। लेकिन उन्होंने क्वीन E8 खेला और ये मुझे लगता है एक सीरियस मिस्टेक था इस गेम का, जहाँ पे शायद उन्होंने मिस किया कि इसमें अभी आप देख सकते हो कि BD3 नाइट ऑन G4 और रुक ऑन H3 ये तीनों अटैक कर रहे हैं किंग किंग के इधर, लेकिन उन्होंने क्वीन D2 खेल के अब इसको भी ज्वाइन करवा दिया, और डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो कि क्वीन D2 के बाद ये जो पोजीशन है ये बहुत मुश्किल में लग रहा है ब्लैक अभी। तो रुक F7 खेला उन्होंने यहाँ पे इमिडिएटली रुक G3 आ सकते थे वैसे अभिजीत गुप्ता, क्योंकि उसमें सिंपली नाइट इंटू H6 थ्रेट है, लेकिन उन्होंने पहले रुक E1 खेला और इस रुक को भी उन्होंने सेमी ओपन फाइल में रखा फिलहाल, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने रुक D8 खेला ब्लैक ने, मुझे लगता है उनका जो आइडिया था यही था कि D5 नेक्स्ट वो खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत ज्यादा मुश्किल में अभी। तो उन्होंने रुक G3 खेला, इमिडिएटली नाइट इंटू H6 भी शायद आ रहा था मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे H5 खेला उन्होंने ब्लैक से, और नाइट H6 चेक डेफिनेटली आप उसको मार नहीं सकते हो। किंग F8 यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेसन है सीखने के लिए कि हमेशा गाई नहीं करनी चाहिए कि अगर आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है तो उसको मार दो। आप और एक ऑप्शन सोच सकते हो कि अगर उसी पोजीशन को मेंटेन करके और ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए तो क्या हो सकती है उसमें। सो यहाँ पे उन्होंने क्वीन G5 खेला, एक बहुत अच्छा मूव था, और ज़्यादा प्रेशर बनाया, डेफिनेटली आप इसको नहीं मार सकते हो मेट और नीचे। तो यहाँ पर D5 खेला ब्लैक ने क्वीन G5 के बाद आफ्टर रुक इनटू E6, मुझे लगता है अब ये कम्प्लीटली लॉस्ट है, बिकॉज आप अगर बिशप इंटू C4 मारते भी हो तो बिशप कट C4, डी कट C4, नाइट इंटू F7, और आफ्टर क्वीन इंटू F7 अभी आप वाइट एक्सचेंज अप है और कोई किसी प्रकार का कोई काउंटर नहीं है ब्लैक के पास। तो भले ही आप बोल सकते हो कि 4-2 है इस साइड में या 4-3 है क्वीन साइड में, लेकिन ये पोजिशन में किंग भी ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वाइट का किंग सेफ है, सो मुझे नहीं लगता कोई चांसेस है। सो फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया रुक D6, रुक H3 खेला। अब ये एक बहुत अच्छा और जरूरी मूव था, क्योंकि जैसे ही आप G6 खेलते हो रुक H4, किंग E8 और रुक F4, अभी आप देख सकते हो कि ये रुक जो यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था, यहाँ फिलहाल गेम में नहीं था, सो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिग्रुप करके वापस F4 पे ला लिया। और जैसे ही क्वीन G7 आए तो रुक FE4 खेला, E7 मर रहा है उसको बचाने के लिए, D7 फोर्स्ड है बिकॉज अभी E7 बहुत बड़ा टारगेट है। एक्चुअली इधर देखा जाए तो 4-3 है, अदरवाइज सब कुछ एक्सचेंज करके पॉन एंडिंग में विनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसको और मेंटेन करना जरूरी था क्योंकि रुक E6 के बाद अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है ये पोजीशन। और अगर हम बात करें इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन की, तो यहाँ पर ही आकर उन्होंने रिजाइन कर दिया था ब्लैक ने। और अगर हम क्विकली आगे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किंग F8 खेला तो रुक F6 चेक आ रहा है, किंग G8 को रुक इनटू E7 आ रहा है, और रुक इनटू E7 को रुक G6 आ रहा है, और किंग G8 की जगह आप किंग E8 भी नहीं जा सकते हो किंग F8 से, क्योंकि उसमें रुक इनटू G6 आ रहा है क्योंकि E7 पे है। सो रुक E6 ही गेम का लास्ट मूव था और यहाँ पर आकर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बहुत बहुत बधाई हो अभिजीत गुप्ता जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लास्ट बीच में एक दो राउंड उन्होंने मुझे लगता है कार्तिक वेंकट रामन से जी हारे थे वो एक गेम, और एक ड्रॉ हुआ था उनका, लेकिन ओवरऑल जो है बाद में बहुत ही अच्छा खेला। और मैं हमेशा मानता हूँ कि लास्ट के जो 3 राउंड होते हैं उसमें जो प्लेयर बहुत अच्छा स्कोर करता है या बहुत अच्छा खेलता है उस वो मुझे लगता है कि बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर होता है। टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं, सभी लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक
क्वालिटी होती है जो विनर्स के पास होती है या ऐसे प्लेयर्स के पास होती है जो हमेशा टॉप थ्री में या फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, वो उनके पास एक गिफ्टेड चीज होती है। तो लास्ट के तीन चार राउंड में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, तीनों चारों अच्छे प्लेयर्स को हराया, खासकर सेकेंड लास्ट राउंड में शायद दीप्ता घोष को भी हराया था जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही सही रिजल्ट रहा इस बार। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक दो साल में जो भी इंडिया में स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट्स होती हैं तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर हैं खासकर 2500 और 2600 वाली कैटेगरी में जो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। नहीं तो कुछ साल पहले ऐसा होता था जब स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट्स होते थे इंडिया में तो जो भी बाहर से ग्रैंड मास्टर आते थे ज़्यादातर वही जीत के जाते थे। सो ये एक अच्छी बात है इंडियन चेस के लिए और हम लोग जितने भी और गेम्स हो सकते हैं उनको देखेंगे और फिर से मैं एक बार उनको बधाई देता हूँ। और जितने भी प्लेयर्स बाकी जो अच्छा खेले, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे दिल्ली ओपन के भी और मैंने टाटा स्टील के भी कुछ अपलोड किए थे गेम। आज उसमें रेस्ट डे था, कल तो मैंने अपलोड नहीं किया था कल उसमें वीडियो, लेकिन मैंने उनके लिए उनमें से भी बहुत सारे किए। तो मेरी कोशिश यही है कि जो बहुत लोगों को जो एनालिसिस नहीं मिल रहा है उसमें बहुत सारे गेम्स का, मैं अपने हिसाब से सिलेक्शन करके उनको एनालाइज करूं और आपके लिए शेयर करूं। तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं और कि अगर कोई और अच्छा गेम हुआ है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी जो ऑब्जर्व करता हूं उनमें से कुछ छूट जाता है, लेकिन मिलेंगे और जल्द, बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।